आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बेहद शक्तिशाली वाहनों की जानकारी, जिनकी ताकत देख आप भी हैरान रह जाएंगे। नंबर 6, मैरोडर आर्म्ड व्हीकल। सेना के इस्तेमाल के लिए बना ये ट्रक किसी टैंक से कम नहीं है। ये ट्रक रफ्तार में तो काफी तेज होता ही है, साथ ही पानी के अंदर जाने या फिर ऊंचे नीचे रास्तों पर चलने में भी काफी माहिर होता है। ये ही नहीं, इसका बाहरी कवच इतना अधिक मजबूत होता है कि दीवार से टकराने पर भी इस पर कोई खरोच तक नहीं आती। इसकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि जब इसके सामने दो गाड़ियां खड़ी होती है तो ये ट्रक गाड़ियों को चकनाचूर कर देता है। नंबर 5, बुलडॉग एक्सट्रीम 4x4 फायर ट्रक। पहली नजर में इस ट्रक को देखने पर यह कोई आम ट्रक की ही भांति प्रतीत होता है, मगर ये ट्रक जंगल में लगने वाली आग को बुझाने वाला ट्रक है। इस ट्रक के बम्पर वाले भाग पर पानी फेंकने वाले कई नोजल लगे होते हैं। जब भी ये सूचना मिलती है कि जंगल में किसी दुर्गम जगह पर आग लगी है तो इस ट्रक का चालक ऑफ रोडिंग करता हुआ वहां पहुंच जाता है और एक निश्चित दूरी बनाते हुए इस ट्रक के मुहाने पर लगे नोजल के द्वारा उस आग पर पानी की तेज धार से छिड़काव करना चालू कर देता है। नंबर 4, हम राइडर। ट्रैफिक से परेशान लोगों को ये गाड़ी काफी पसंद आने वाली है। जैसे ही इस गाड़ी का चालक इसका एक बटन दबाता है तो इस गाड़ी के टायर के पास लगे हाइड्रोलिक स्टड गाड़ी को ऊपर उठा देते हैं और साथ ही साथ उसे नीचे से भी चौड़ा कर देते हैं। इसके बाद ये गाड़ी अपने आगे खड़ी गाड़ियों के ऊपर से होते हुए आगे जाती रहती है। इस गाड़ी के नीचे की तरफ भी कैमरे लगे होते हैं, जिससे इसके चालक को इस बात का ध्यान रहता है कि उसकी गाड़ी नीचे खड़ी गाड़ी की छत से टकराए नहीं। नंबर 3, बेलेस 75710। पूर्वी यूरोप के बेलारूस देश में बनाया गया ये ट्रक अत्यंत शक्तिशाली है, जो एक बार में 450 टन तक का वजन उठा सकता है। ये ट्रक 20 मीटर लंबा, 26 मीटर ऊंचा और लगभग 10 मीटर चौड़ा होता है, जिसमें एक नहीं बल्कि दो इंजन का इस्तेमाल होता है। अगर इस ट्रक की अधिकतम रफ्तार की बात की जाए तो यह है 64 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होती है और इस प्रकार के ट्रक को मुख्यतः बड़ी बड़ी खदानों से मिट्टी इत्यादि कुंड होने के काम में इस्तेमाल में लाया जाता है। नंबर 2, विंटेज स्नो कैट्स। इस वाहन को दुर्गम बर्फीले इलाकों पर चलने के काम में इस्तेमाल में लाया जाता है। यूं तो आज के समय में कई प्रकार के आधुनिक तकनीक से लैस बर्फ पर चलने वाले वाहन आपको मिल जाएंगे, लेकिन इस वाहन को सबसे पहले 1966 में तैयार किया गया था, पर आज इसके अंदर की तकनीक को पूरी तरह से आधुनिक कर दिया गया है, जिसके कारण ये दिखने में आपको अतीत की मशीन जरूर प्रतीत हो सकता है, लेकिन ये काम बिल्कुल आधुनिक वाहन की तरह ही करता है। नंबर 1, गिब्स हम्विंगा। दिखने में ये गाड़ी नाव की तरह दिखाई देती है, लेकिन ये गाड़ी रोड, पानी के साथ साथ ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने में भी काफी माहिर होती है और ये गाड़ी रोड पर जितना तेज गति से चलती है तो ठीक उसी प्रकार जब इसे पानी में उतारा जाता है तो इसकी रफ्तार देखते ही बनती है। ये गाड़ी रोड पर अधिकतम 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है, तो वही पानी में इसकी अधिकतम रफ्तार 48 किलोमीटर प्रति घंटा की है। व्हेल, कौन सा महान आपको सबसे ज्यादा अनोखा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर।